पहला दिन है और पहले दिन हम क्या करते हैं, धमाल करते हैं, बहुत सारी गर्मा-गर्म न्यूज लेके आते हैं आप सभी के लिए। और कल से थोड़ा सा हम अपनी जो टेक न्यूज है उसके अंदर थोड़ा सा बदलाव करने वाले हैं। शाम को केवल हम 4 या 5 टेक न्यूज के ऊपर बताएंगे आपको, और दिन के अंदर हम आपको जितने भी अपडेट होंगे मतलब कि उसी टाइम पर वीडियो बनाकर, जिस टाइम न्यूज आएंगी उसी टाइम न्यूज बनाकर तो आपको प्रोवाइड करवाएंगे। तो अगर आपको दुनिया के साथ चलना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और पैसा बचाना पसंद है या फिर आपको टेक्नोलॉजी रिगार्डिंग वीडियोस देखना पसंद है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। और आज चलते हैं आज की पहली टेक्नोलॉजी की तरफ। और दोस्तों आज की शुरुआत करते हैं नथिंग फोन 1 से। नथिंग फोन 1 भाई साहब, इसके रूमर्स ने तबाही लगा रखी है, क्योंकि रूमर्स ही इतने निकल के रहे हैं। तो आज इसके जो डिस्प्ले है उसका रूमर्स निकल के आए हैं, लीक्स निकल के आए हैं। टेक ड्रॉइडर नाम से है उनका ट्विटर अकाउंट है, उसके ऊपर उन्होंने लीक्स बताया कि नथिंग फोन की जो डिस्प्ले है वो 6.55 इंच की होने वाली है, ओलेड डिस्प्ले। तो मतलब डिस्प्ले की क्वालिटी एक नंबर। उसी के साथ साथ इसके अंदर 1080p जो कि इनका रेशियो होता है, रेजोल्यूशन होता है 240 का, तो ये कुछ होगा इस टाइप के अंदर। और फ्लैट एजेस मतलब कि बॉक्स टाइप में थोड़ा सा इसका हमें देखने को मिल सकता है आप स्क्रीन के ऊपर, इसके नीचे फोटो है तो इस टाइप में होगा। और नोचिंग यस, तो वो ग्रिल टाइप में होता है तो वो भी नहीं होगा। तो कुछ इस टाइप से इसकी कुछ फोटोज निकल के आई हैं तो आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। और हमें जुलाई के अंदर ये फ़ोन देखने को मिलेगा। और इसके अंदर कौन सा प्रोसेसर होगा ये अभी तक कंफर्मेशन नहीं आया, बाकी इसके अंदर बताया जा रहा है कि स्नैपड्रैगन का 7 Gen 1 प्रोसेसर होने वाला है। बाकी देखते हैं कि क्या कुछ होगा इसके अंदर और कितना खास होता है, कितना इसके अंदर जो ट्रांसपेरेंट टाइप में होगा तो ये तो आने के बाद ही पता चलेगा। बताइए एक बार कमेंट करके आप इसका इंतजार कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। और चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। जिन लोगों को अपना फोन चार्ज करने का बहुत ही ज्यादा कम टाइम मिलता है तो उनके लिए है ये न्यूज़, क्योंकि iQOO का 10 Pro SS Packs के साथ आने वाला है। इसके अंदर होने वाला 200 वॉट का फास्ट चार्जर, यस, और इसके अंदर होगा 50 से 65 वॉट के आसपास इसके अंदर वायरलेस चार्जर बताया जा रहा है। ये जो न्यूज निकली आ रही है डिजिटल चैट स्टेशन ने हमें बताया, हमें नहीं बहुत सारे लोगों को बताया है, और ये जो चीज बताते हैं तो लगभग ये सच होती है। तो इनका जो iQOO का 10 Pro आने वाला है तो उनके लिए जबरदस्त चीज होने वाली है, 200 वॉट का फास्ट चार्जर वायरलेस वाला नहीं, वो वायर्ड वाला। और भाई साहब जिनको केवल 5 या 10 मिनट मिलते हैं अपने फोन चार्ज करने के लिए तो उनका फोन केवल 5 मिनट 10 मिनट के अंदर फुल चार्ज हो जाएगा। गर्मी से बचा के रखना, क्योंकि गर्मी के अंदर जितना तेज चार्ज होगा उतनी ज्यादा गर्मी बनेगी और खराब होने के उतने ज्यादा चांसेस है। तो कुछ ये न्यूज निकल गया, एक बार कमेंट करके बताइए जिन लोगों को केवल 5 या 10 मिनट मिलते हैं अपने फोन चार्ज करने के लिए और उनके लिए कितना मददगार होगा बताइए। और Xiaomi की तरफ से एक बुरी न्यूज निकल के आई है। Xiaomi ने अपने बहुत सारे फोन्स के अंदर जो सपोर्ट है, जो कि उसकी सर्विस सपोर्ट है, तो उसको कर दिया है बंद। यस, आप स्क्रीन के ऊपर जो लिस्ट है वो देख सकते हैं कि इन फोन्स के अंदर Xiaomi ने अपनी जो सपोर्टिंग सिस्टम है उसको बंद कर दिया है। तो स्क्रीन के ऊपर देख लीजिए Redmi की 1 सीरीज, जो एस है, जो भी सीरीज है, 2 सीरीज, 3 सीरीज, 4 सीरीज, 6 सीरीज, 7 सीरीज भी, 7 का 7 Pro भी, और Y सीरीज भी आपको इसके अंदर देखने को मिल रही होगी, और इसके साथ साथ Redmi का K20। तो इन सभी के अंदर आप सभी को अब से Xiaomi की सर्विसेज नहीं मिलेंगी। यस, आप सही कह रहे हैं, जो Xiaomi है उसका ने अपना सपोर्ट जो है वो ले लिया इन फोन से, और अब से आपको इसकी तरफ से कोई सपोर्ट नहीं देखने मिलेगा इन फोन्स के अंदर। तो ये कह रहे हैं कि अब अपने फोन्स को अपग्रेड करें। तो ये कुछ न्यूज़ निकल के आई है, बाकी एक बार कमेंट करके बताइए कि ये गलत किया या ठीक किया इन्होंने। बाकी गलत तो किया ही है, बहुत सारे लोग अभी भी Redmi के इन फोन्स को यूज़ करते हैं। मेरे पास Redmi का Y2 है तो थोड़ा सा यार दुख हुआ है। बाकी बताइए एक बार कमेंट करके। Asus की गेमिंग सीरीज ROG सीरीज जो है तो उसके अंदर ROG 6 आने वाला है जल्दी, जैसे कि आपको पता होगा 8+ Gen 1 का प्रोसेसर होने वाला है इसके अंदर, और बैटरी हमेशा की तरह बड़ी होने वाली है। और कुछ खास करने के लिए उन्होंने अपनी डिस्प्ले के अंदर 165Hz का डिस्प्ले बता दिया है, मतलब कि ये लीक्स निकल के आई है और इसके अंदर होने वाला है 165Hz की डिस्प्ले। बाकी अभी तक यार कोई ऐसा गेम नहीं बना, कुछ और चीज़ नहीं बनी जो कि 165Hz को चलाए तो आखिर किस लिए यार। बाकी ये इसके ऊपर हंसी भी आ रही है और प्राउड फील हो रहा है, मगर ROG 5 सीरीज जो थी वो बिल्कुल ख़राब थी, तो ROG 6 के अंदर में भी ये सभी चीज़ें ठीक कर दें। तो जब आएगा तो बताएंगे आपको कमेंट करके कि क्या कुछ होगा इसके अंदर। और बाकी फिलहाल के लिए इसके डिस्प्ले का जो हर्ट्स है वो बाहर निकल के आ चुका है, तो बताइए एक बार कमेंट करें 165Hz कहाँ पर काम आएंगे और चलते हैं अगली न्यूज़ की। Apple का
आज रात के 10:30 बजे जैसा कि आप सभी को पता है कि WWDC शुरू होने वाला इंडिया टाइम के हिसाब से, दूसरे देश में तो वहाँ पर दिन होगा यहाँ पर रात होगी, तो रात को 10:30 बजे इसका इवेंट आने वाला है। उसके अंदर अपना जो एप्पल्स के मोबाइल्स हैं उसके अंदर जो iOS होता है उसका अपडेटेड वर्जन iOS 16 देखने को मिल सकता है, मैक OS का अपडेटेड वर्जन और उसकी जो वॉचेज है उसका अपडेटेड वर्जन हमें उसके अंदर देखने को मिलेगा, जो उसके सॉफ्टवेयर होते हैं, तो वो उसकी नेक्स्ट वॉच या फिर उसके अंदर iPhone 14 के कुछ लीक्स भी हमें देखने को मिल जाए। तो आज शाम रात, आज रात 10:30 बजे उनकी ये कुछ आने वाला है इवेंट और उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें बताएंगे, फ्यूचर के अंदर जो जो वो करने वाले हैं वो भी बताएंगे और जो जो आएगा वो भी बताएंगे। तो देखते हैं कि क्या कुछ आएगा और कल इसके ऊपर वीडियो आएगी, तो बने रहिए हमारे साथ। और दोस्तों आज की आखिरी न्यूज़ भी निकल के रही है एप्पल की तरफ से। एप्पल का ऐसा लगता है कि अगले साल से हमें टाइप सी दे सकता है, यस, क्योंकि EU कंट्रीज जो हैं जितने भी EU का वहाँ का कानून है तो वो केवल अपने लोगों के हित के लिए काम करता है और लोगों के हितों के लिए ही रहता है, उन्हें कंफर्ट को बहुत ही ज़्यादा ध्यान में रखता है, तो इसीलिए कंफर्ट को ध्यान रखते हुए उन्होंने कहा है कि जो आईफोन होंगे उसके अंदर से टाइप्स जो लाइटनिंग है उसका पोर्ट हटाना होगा और टाइप सी को लगाना होगा। तो शायद से हमें आईफोन के अंदर अगले साल से टाइप सी देखने को मिल सकता है, तो भगवान इसी जन्म में हमारी सारी मनोकामना पूरी कर दे, टाइप सी भी देखने को मिल सकता है अगले साल और आईफोन 15 के अंदर बहुत सारी चीज़ें होंगी और टाइप सी होगा तो चार्जर तो लगेंगे, जरूर लगेंगे। और एक बार कमेंट करके बताइए कि अगर टाइप सी आता है तो आपके लिए कितना फ़ायदेमंद होगा, बताइए एक बार। और अगर आपको हमारी वीडियो है पसंद तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ठोक दीजिए, बस इतना ही। और कल से हमारे थोड़ी सी टेक न्यूज़ के अंदर थोड़े से बदलाव होंगे और शाम की नई टेक न्यूज़ थोड़ी सी छोटी करेंगे हम, और ताकि आप जल्दी जल्दी से आराम से देख सकेंगे और आराम से समझाएंगे वीडियो के अंदर। और दिन के अंदर हमारी कुछ न्यूज़ होंगी जो कि तुरंत अपडेट के अंदर हम आपको बता देंगे, दिन के अंदर हमें हमारी वीडियोज आया करेंगी, तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब।